तो दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी डिवाइस है तो इतना बढ़िया कस्टमाइज थीम अभी तक आप लोग नहीं देखे हो। अपना फोन को इतना बढ़िया तरीके से आप कस्टमाइज कर पाओगे अभी तक आप नहीं जानते हो। जैसे दोस्तों मेरा फोन देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं सब बदल जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना चेंज हो रहा है। एक के बाद एक आप लोगों को चेंज देखने को मिलता है। देखिए कितना शानदार है, देखा दोस्तों। तो ऐसा कस्टमाइज वाला थीम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, बिना स्किप करके देखो। जबरदस्त थीम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, अपना फोन का इंटरफेस ही पूरा के पूरा बदल जाएगा। तो किस तरीके से ये इसको अप्लाई करना है वो तो वीडियो का लास्ट में आपको बताएंगे, तो अभी आपको इसका फीचर दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये ओधिकारी टेक्निकल चैनल में नए आए हो तो प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, उसके बाद ये ओधिकारी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आके कुछ कमेंट आप लिख दे, आपका वीडियो जैसा लगा है। मान लो गुड वीडियो आपको लगा है तो गुड लिख के आप सेंड कर दे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा काम आपको कर देना है, तो चलिए आपको जब भी आप बताते अपना हैं। फोन में इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों मेरे को मिल चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पे बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया है ना दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, देखो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो इसके ऐप आइकन पूरा चेंज हो जाता है, उसके बाद इसका जो होम स्क्रीन हो दोस्तों बदल जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को ज्यादातर यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आप लोगों को चेंज नहीं होता है। लेकिन सबसे अच्छा कस्टमाइज आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने के बाद किस तरीके से सेटिंग करना है वो दिखाते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को थीम स्टोर में चले जाना है, उसके बाद इसको डाउनलोड करना है। तो ये दोस्तों यह है वो थीम्स, देखिए यह है वो थीम्स, ठीक है। इसको यह है दोस्तों 27.5 MB का है, इसको आप लोगों को अप्लाई करना है। तो अप्लाई तो मैं एक बार कर लिया हूं, और एक बार करते हैं, करने के साथ साथ दोस्तों शायद वो फीचर फिर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये अप्लाई हो चुका है, तो अभी आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अभी आप कोई भी एक कलर आप चूज कर सकते हो यहाँ से। तो मान लो मैं इसको चूज करते हैं, ठीक है। चूज करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट में क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इसके ऐसा करना है, ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कैलेंडर है, उसके बाद यहाँ पे गाना वगैरह चला सकते हो, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सब दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी आप लोग जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जो स्क्रीन सेवर है ये चेंज हो जाएगा, लॉक स्क्रीन देखिए ये चेंज होता है, जब भी आप क्लिक करोगे तब भी ये चेंज हो जाएगा। देखा दोस्तों कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है दोस्तों, आपको देखने को कितना खूबसूरत लगता है, देखिए है ना दोस्तों, बहुत शानदार है ना, ये बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा पूरा सेटअप तो मैं दिखा दिया हूं। तो फाइनली वीडियो कैसा लगा उन्हें बताना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।